और आज हम लोग का डर्मा का वाइवा। तो यहाँ रहते हुए तो 3 साल हो गए हैं। मोस्टली सारे एग्ज़ाम के वाइवा जो होते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद होते हैं, बट ये पहला ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें वाइवा हम लोग का पहले होगा और रिटर्न एग्जामिनेशन उसके एक दिन बाद है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने वाइवा के लिए हॉस्पिटल में, तो तब तक देखते हैं क्या होता है। हम लोग का 90% प्रिपरेशन तो हम लोग अपने रूम वगैरह में ही कर लेते हैं, बट बचे हुए जो 10% प्रिपरेशन है वो हम लोग वाइवा हॉल में जाके कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं वहाँ का क्या माहौल है, और मोस्ट प्रॉबली तैयारी तो पूरी है, अब देखते हैं उधर से टीचर ने कितनी तैयारी किया है। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या होता आगे। I was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so. But you're far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live. Name BG, yeah. कुछ लोग अपना हेयर स्टाइल भी सही कर रहे हैं, बट ना कोई मतलब नहीं इनसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई सीट लेके पढ़ रहा है, तो कोई आईपैड में पढ़ रहा है, और यहाँ पे बकायदा डिस्कशन चल रहा है। तो कुछ लोग हैं जो कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते हैं, उनमें से एक ये बंदा है जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, दिन रात एक कर देता है पढ़ पढ़ के। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि रोल नंबर 1 का वाइवा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, अब वो अपने एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ अंदर जाते हुए। कुछ तो तुम बोले हो ना? हाँ कुछ बोले। तुम्हारे सामने 60 नंबर दे दी। क्या हुआ प्राइमरी से? ब्रो यहाँ पे माहौल ज़्यादा ख़राब लग रहा है, हमें पढ़ाई करना होगा। तेरे कितने बजे? 85। तो सिचुएशन को देखते हुए मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ सारे के सारे लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है जो कि अभी 3 से 4 बंदों से पूछे गए हैं। थेरेपिस्ट डॉक्टर के ये मतलब पूछ रही है क्या ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस? डायग्नोसिस में तो पीपल आएगा, प्लाक आएगा, पेपिल प्लाक और एगुलर। हां और यंग होले 3 to 5 वीक्स ना। को तो विचार विमर्श करते हुए कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं उसी पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, बाकी बचे हुए छोड़ दिए जा रहे हैं, देखा जाएगा आगे क्या होता है फिर। ये मेरे वाइवा की कुछ क्लिप्स हैं। वाइवा तो मेरे हिसाब से अच्छा हुआ, अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। अपने तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की कि अच्छे से अच्छा वाइवा दिया जाए। अभी तुम लोग का वाइवा बचा, मेरा वाइवा खत्म हो चुका, तो हम वीडियो बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत से। प्लस हाउ इज द जोश ब्रो? हाय ब्रो, टेंशन कैंकर कहता कैंकर। बस उसका एक सीक्वल होगा तो फिर लोग देखेगा, इसलिए बना दिया। मेरा जिंदगी का 2 घंटा बर्बाद हो गया, इसलिए वाइवा खराब हो रहा है। मेरा वाइवा खत्म हो चुका है, तो हम दूसरे का तो देख सकते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डिम लाइट थी, बहुत ज़्यादा लाइट अवेलेबल नहीं थी, तो बस इतना ही है, आगे देखते हैं। सीरियसली